मन तेरे नाम के ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। दोस्तों अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ले सकते हैं, वहाँ पर हमने पिन करके रखा है। एंड दोस्तों इसमें जो भी फोटो वगैरह यूज़ होगा वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड दोस्तों जो भी आपका इसमें मेटर यूज़ होने वाला है उसे आपको कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बता देते हैं। सो गाइस जैसे आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के आपको टाइटल पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है। सो गाइस आपको नीचे आना है, यहाँ पर जैसे आप मेटर पर डाउनलोड करते हैं सेम आपको वही प्रोसेस होने वाला है, बस थोड़ा सा चेंज है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑल मटेरियल। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आएंगे तो यहाँ पर हाउ टू डाउनलोड नाम का एक वीडियो देखने को मिल लिंक देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको इस पर आपको क्लिक करना ऑल मटेरियल लिंक, ठीक है। इसमें आपका जो भी मैपर लेता था सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर दी जाएगा speedtech.in और यहाँ पर अलाइट मोशन वीडियो एडिटिंग इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। आपका जो भी थंबनेल रहेगा यहाँ पर आपको थंबनेल देख लेना है जो भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइप जब मोड कर देंगे तो यहाँ पर आपका और भी जितने थंबनेल इसमें यूज़ होंगे सब आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला है आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको डेस्कटॉप मोड को इस प्रकार से हटा देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इसको नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको कुछ टाइमिंग शो होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग खत्म हो जाएगा यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन आ जाएगा दोस्तों। तो डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसके आएगा जो प्रोसेस है वो आपको हम बता देते हैं। जब तक गाइस ये टाइमिंग चल रहा है तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार का कमाल का वीडियो लाते हैं और लाते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउनलोड नाउ दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे आप पहले आपको देखने मिल जाता सॉन्ग बीट मार्क सेक इफेक्ट ओनली म्यूजिक और बीट मार्क एक्सएमएल फाइल और सेक इफेक्ट एक्सएमएल फाइल। तो यहाँ पर जो आपका देगा डाउनलोड नाउ, तो डाउनलोड नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे आपके अलाइट मोशन में डायरेक्ट इंपोर्ट कर देगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जितने भी इसमें मटेरियल वगैरह यूज़ होंगे सब आपको डाउनलोड करके इम्पोर्ट कर लेना होगा। जैसे आप गाइस इम्पोर्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका अपना अलाइट मोशन ओपन करना है। और दोस्तों प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेक्ट नाम का दोनों प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं या फिर आप हमारे डायरेक्ट वेबसाइट पर भी जा करके ले सकते हैं। सबसे दोस्तों जैसे आप हमारे सॉन्ग बीट मार्क और सेक इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसे आपको कैसे लगाना है तो आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस के बगल देखिए, प्लस पर आपको क्लिक करके 9 to 16 इशू सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है। यहाँ पर आप जो भी आप फोटो लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आप फोटो जैसे मान लीजिए मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसे लेता हूँ और थर्ड पर क्लिक के फिर कौन से पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। सेटिंग के बगल में बॉक्स पे क्लिक करके दिख रहा है आपको करंट फ्रेम पेज पीएनजी, इस पे क्लिक करके आपको एक्सप्लोर करके आपके गैलरी में सेव कर लेना होगा। बहुत ही आसानी से आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। कम से कम आपको 8 से लेकर के 10 फोटो को इस प्रकार से सेव कर लेना है। दोस्तों हमारा जो फोटो है वो सेव हो चुका है, तो आपको यहाँ पर 100 बिट मार्क को ओपन कर लेना है। यहाँ पर गाइस आपको कुछ ग्रुप क्रिएट हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस ग्रुप पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। और दोस्तों एड ग्रुप पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो येलो वाला आपका दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको दिया कलर एंड फिल, इस पर क्लिक करके स्टाइल आइकन पर क्लिक करके जो भी आप फोटो यहाँ पर कन्वर्ट किए हैं आपको वही फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं पहले से जो फोटो रखा हूँ वही फोटो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस फोटो को इस प्रकार से लगा लेता हूँ, तो जो हमारा ये फोटो है ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हमारा पहला वाला काम ये हो चुका है। स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा आगे आना है और दोस्तों प्लस पे क्लिक करना और मीडिया पर जाना है। और यहाँ पर आपको कोई भी आप गैलरी से फोटो चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इस फोटो को ले लेता हूँ, ठीक है। और थ्रेड पे क्लिक करके फ्रेंड्स पे क्लिक करके आपको इस प्रकार से इसको कर देना है। और यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे बिट दिख रहे हैं सभी पर आपको फोटो को अटैच कर लेना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर फोटो को अटैच कर लेता हूँ, इसके बाद जो आएगा प्रोसेस है वो आपको हम बताते हैं।
ओके सो दोस्तों यहाँ पर हम बीट के हिसाब से फोटो को अटैच कर लिए हैं। अब इस पर इफेक्ट कौन सा लगाना है तो वीडियो को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको सैग इफेक्ट में दो इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला जो इफेक्ट आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से थ्रेड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर गाइस पैक करके आपको आ जाना है इस प्रकार से अपने सॉन्ग बीट मार्क में। स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा आगे जाना है। यहाँ पर आपको जो आपका जो पहला आपका फोटो शो हो रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको जितने छोटे छोटे बीट दिख रहे हैं ना सभी पर आपका वो सेकंड वाला इफेक्ट ऐड होगा। तो जो हमारा सेकेंड इफेक्ट है वो ये है, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देंगे और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यहीं तक आप छोड़ के मत जाइएगा नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है इसे क्रिएट करने में। दोस्तों यहाँ पर आपको जो छोटा छोटा वाला बीट दिख रहा है यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर जितने इफेक्ट दिख रहे हैं आपको ये वाला इफेक्ट को ऐड करके यहाँ पर जितने छोटे छोटे बीट दिख रहे हैं सभी पर आपको ये वाला इफेक्ट अटैच कर देना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। फिर से आपको थोड़ा सा बड़ा वाला जो इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर आपका जो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करना है जो भी आप यहाँ पर फोटो अटैच करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई फोटो अटैच कर लेता हूँ, जैसे मैं ये फोटो अटैच कर लेता हूँ यहाँ पर क्लिक करके जो बचे भाग को इस प्रकार से कट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों जो आपका ये फर्स्ट वाला आपका फोटो है आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट इस प्रकार से कर लेना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो ये वाला दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो आपका ये जो इफेक्ट इन सभी इफेक्ट के साथ आपका ये भी इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पर जो आप अभी 9:16 रेशियो में आपने फोटो को कन्वर्ट कर किया था 8:10 फोटो को, तो यहाँ पर आपका लगने वाला तो वो कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको जो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है आपको जो आपका दिख रहा है कलर फिल इस पर क्लिक करना है और स्टार आइकन पर क्लिक करके आप जो भी आप फोटो कन्वर्ट किए हैं आपको इस फोटो को यहाँ पर लगा देना होगा। तो मैं इस फोटो को यहाँ पर लगा दिया हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप देखने को मिल जाएगा, इस ग्रुप पर हम क्लिक कर लेते हैं और एडिट ग्रुप पे इस प्रकार से क्लिक कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सभी ग्रुप हमने क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिख रहा है फर्स्ट वाला ग्रुप इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है कलर फील इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दिख रहा है आपको स्टॉल आइकॉन इस पर क्लिक करके आपके गली में जो आप अभी आप साइज का फोटो कन्वर्ट किए थे 6.9 रेशियो में जो आप फोटो कन्वर्ट करके किए हैं यहाँ पर आपको वही वाला लगने वाला है। तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैं इस फोटो पर क्लिक कर लेता हूँ और थर्ड पर क्लिक करके फुल स्क्रीन इस प्रकार से कर देता हूँ। यहाँ पर जितने आपका दिख रहा है जो इस इफेक्ट वगैरह सभी पर आपका यही लगेगा, तो ठीक है। तो लास्ट पर भी आपको मैं करके दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करना है और स्टार आइकन पर क्लिक करके आपको जो भी फोटो आप कन्वर्ट किए हैं उस प्रकार से आपको इस प्रकार से लगा देना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका सभी पर आपको यहाँ पर फोटो को अटैच कर लेना है, ठीक है। अभी से तो बैक कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इस प्रकार से आपका जब फोटो क्रिएट हो जाएगा तो अभी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपका बीट थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तभी आपको इस ग्रुप पे इस प्रकार से क्लिक करना है और जो देखा लेयर पे क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी लेयर कर लेना है और जो आपका ये नेक्स्ट बीट दिख रहा है आपको सभी फोटो को यहाँ पर आपको अटैच कर लेना है, ठीक है। ध्यान से तो पेस्ट लेयर पे इस प्रकार से आपको करते जाना है। जहाँ तक आपका ये नेक्स्ट बीट नहीं आ जाता है तहाँ तक आपको करते जाना है। ये आपका नेक्स्ट बीट आ गया, फिर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। जो आपका ये नेक्स्ट बीट दिख रहा है आपको यहाँ तक इस प्रकार से अटैच हो जाएगा जो कि 22:16 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी जगह फोटो को अटैच करना होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको मैं आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आपका ये फर्स्ट वाला आपका दिख रहा है ना फर्स्ट पेज सभी पर फोटो को अटैच करिएगा तो उसी को कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। फिर आपको थोड़ा सा आगे जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपका जितने बीट दिख रहे हैं सभी जगह पे आपको यहाँ पर फोटो को अटैच करना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको इफेक्ट क्रिएट करके दिखा दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जो आपका दिख रहा है बड़ा वाला बीट इस पर क्लिक करना है, आपको कोई फोटो अटैच करना है इस फोटो पे इसको क्लिक करते हैं हम थर्ड पे क्लिक करके इसको हम इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। और उसे एरो पे क्लिक करके बचे भाग को कट कर देना है। यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा बड़ा वाला बीट दिख रहा है, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा बड़ा वाला बीट दिख रहा है यहाँ पर आपका ये वाला इफेक्ट लगेगा जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको ये वीडियो, ठीक है। इस पर आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, थर्ड पर क्लिक करके इस प्रकार से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप कॉपी इफेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा आपको आगे आ जाना होगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से सभी इफेक्ट को अटैच करना है। आपको जो छोटा वाला बीट दिख रहा है यहाँ पर आपका कौन सा इफेक्ट रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, जो भी आप फोटो अटैच करना है वो आप अटैच कर सकते हैं। थर्ड पर क्लिक करके फुल स्क्रीन इस प्रकार से कर देना है, ठीक है। और पर क्लिक बचो भाग को इस प्रकार से कट कर देना है। यहाँ पर जो आपका छोटा वाला बीट दिख रहा है आपका जो हम इफेक्ट में सेकेंड इफेक्ट दिए थे वो वाला इफेक्ट यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर लगा करके आप पेस्ट कर दीजिएगा। थोड़ा सा आपको आगे जाना है तो यहाँ पर आपको जो खाली जगह दिख रहा है
जो आपका वो ग्रुप था, आपको लेयर पे क्लिक करना है, इस ग्रुप पे क्लिक करके आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका नीचे वाला सर्कल है, ये भी आपको दोनों को पकड़ करके इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस प्रकार से पीछे आना है, तो आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से गाइस जो है इस, तो इसको क्लिक करना है, और जो आपका ये फोटो दिख रहा है इस दोनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, थोड़ा सा आपको आगे जाना है। जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा बड़ा स्पेस, यानी कि 27 सेकेंड पर, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना होगा, कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, जो कि बहुत ही कमाल का और बहुत ही औसम रूप दे रहा है, ठीक है। तो आपको एरो पर क्लिक करना है, बचे हुए भाग को आपको इस प्रकार से क्लिक कर लेना है, अगर बच्चे भाग को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी वीडियो दिख रहे हैं सभी पर आपको फोटो को अटैच कर लेना होगा, ठीक है। तो जब आपका स्टेटस है वो बन के तैयार हो जाएगा, तो अभी गाइस इसमें क्या करना है, आपको इसको एक्सपोर्ट करना है। तो सेटिंग के बगल में आपको बॉक्स पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसको गैलरी में सेव करना है, आपका 2 या 3 मिनट मात्र एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नए वीडियो, तो तक के लिए बाय बाय।